हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ दोस्तों Asus ROG Strix G इस लैपटॉप का रिव्यू, जिसको मैं लगभग 10 महीने से यूज कर रहा हूँ। ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं MSB Tech। तो जहाँ तक बात है दोस्तों इस Asus ROG Strix लैपटॉप की, तो ये Asus की तरफ से आने वाला एक ROG गेमिंग लैपटॉप है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो अगर आपको इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सही लगी है। अगर आप बात करो इसके सामने की तरफ से इस पैनल की, तो यहाँ पे आपको ROG का लोगो देखने को मिल जाता है। लेकिन पर्टिकुलर इस लैपटॉप के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे ये जो लोगो है इसमें हमको कोई भी RGB लाइट का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। अगर बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं 3 USB पोर्ट्स। उसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 3.5mm का हेडफोन जैक, और साइड में हमको देखने को मिल जाते हैं स्पीकर्स जो कि दोनों साइड से हैं, जहाँ पे आपको ये आउटपुट भी काफ़ी बेहतरीन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर राइट साइड से बताओ, तो राइट साइड से सिर्फ स्पीकर का आउटपुट देखने को मिल जाता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे बैक साइड से, तो यहाँ पे हमको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ HDMI के लिए भी पोर्ट्स मिलने को देखने को मिल जाता है, और एक इथरनेट के लिए भी देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हमको ड्यूअल फैन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर बात करो इसके और डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आपको ये कट देखने को मिल सकता है। तो इसका भी ऐसा कहा जाता है कि ये कूलिंग के लिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के इंजन की, जो कहा जाता है कि किसी कार के डोर से इंस्पायर होकर लिए, लेकिन ये काफ़ी सही है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद भी इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देखने को मिला है, जो कि आपको लगभग बाकी जो हिंजेस होते हैं उसमें ज़्यादातर यहाँ से बेंड हो जाता है लैपटॉप में, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। जबकि बात करते हैं इसके फ्रंट साइड से, तो यहाँ पे हमको ये जो कीबोर्ड देखने को मिलता है, ये फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी सही परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाता है। जबकि इसके बटन्स भी काफ़ी टैक्टाइल से, जबकि इसके टच पैड के बारे में बताऊँ, तो इसका टच पैड काफ़ी सही है, काफ़ी सेंसिटिव है, और जो कि यहाँ पे आपको राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक देखने को मिल जाता है, बटन्स जो देखने को मिल जाते हैं वो काफ़ी सही है दोस्तों, क्योंकि मुझे ये पैड में अटैच अच्छे नहीं लगते। ये सेपरेट ही रहे तो अच्छे, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 15.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही लगा है मुझे दोस्तों अभी तक। और अगर आपको बताऊँ, तो इसके व्यूइंग एंगल भी काफ़ी सही है। अगर आप साइड से भी देखते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती अगर आप इसके डिस्प्ले की तरफ देखते हो। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी सही लगा है, लेकिन फिर भी अगर इसमें हमको 90 या 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता, तो और भी अच्छा होता। लेकिन फिर भी 60Hz के साथ भी मुझे इसका परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी सही लगा है। और जबकि अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसका RGB लाइट का सपोर्ट, जो कि आपको कीपैड में भी देखने को मिल जाता है, और नीचे यहाँ पे आपको ये 3 साइड से देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार पकड़ के बता देता हूँ, तो ये आप देख पाओगे, आपको लगभग ये 3 साइड से देखने को मिल जाता है, लेफ्ट फ्रंट एंड राइट साइड से। तो ये RGB पैनल काफ़ी सही लगता है दोस्तों, अगर आप इसको देखते हो तो। फिर भी आपको इसमें लाइट भी काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो अभी आपको ये RGB लाइट काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रही होगी। और उसी के साथ मैं अगर आपको बताऊँ, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप इसमें एक ही कलर रख सकते हो, और भी आपको कुछ और नए इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसको और भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो उसके बदले आपको यहाँ पे एक और बटन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये RGB का कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये आर्मरिक फ्रेट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है दोस्तों, जिसमें आप काफ़ी इसमें मॉडिफाई कर सकते हो इन RGB लाइट्स को। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ काफ़ी सही फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये RGB लाइट हो गया, और भी यहाँ पे और कुछ नए फीचर आप इस आर्मरी क्रेट में कर सकते हो। बात है दोस्तों इस लैपटॉप की गेमिंग की, तो यहाँ पे मैं NFS का प्लेबैक आप देख सकते हो कैसा इसमें गेम चलता है। आप गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन जब भी आपको गेम में प्लेबैक देखने को मिल जाएगा, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे गेम प्ले होता है दोस्तों इस लैपटॉप में।
और उसी के साथ आप इसमें टर्बो मोड में खेलते हो तो काफ़ी और भी स्मूथ इसमें गेम चलता है, बिल्कुल भी आपको गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ तक कि मैंने इसमें GTA 5 भी खेला है लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी अच्छे से गेम चल जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना सही इसमें गेम प्ले होता है दोस्तों। और अगर बात करें इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमको देखने को मिल जाता है दोस्तों कोर i5 9 जनरेशन का CPU जो कि इंटेल की तरफ से देखने को मिल जाता है। उसी के साथ इस लैपटॉप में 8GB की रैम भी देखने को मिल जाती है और 256GB का SSD ड्राइव भी देखने को मिल जाता है और उसी के साथ 1TB की हार्ड डिस्क भी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करूँ इसके ग्राफिक कार्ड की तो इसमें देखने को मिल जाता है NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड जो कि काफ़ी सही परफॉर्मेंस इस प्राइस में प्रोवाइड कर देता है। तो लगभग इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे काफ़ी अभी तक इस लैपटॉप का काफ़ी सही परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है। और अगर बात करूँ इसके प्राइस के बारे में तो इसकी प्राइस काफ़ी चेंज होते रहते हैं और जब मैंने इसको खरीदा था तो मुझे ये 55,200 रुपीज़ में ही देखने को मिल गया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने काफ़ी इसमें ऑफर भी यूज़ किए थे जब भी इसका सेल आया था, उसकी वजह इसके कुछ क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर था। तो ऐसे आप अगर ऑफर चेक करते हो तो आपको काफ़ी कम कीमत में ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी इसकी प्राइस लगभग 70,000 रुपीज़ है। और भी इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं, यानी कि एक आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको 512GB की SSD देखने को मिल जाती है, उसमें आपको 1TB का हार्ड डिस्क नहीं देखने को मिलती, तो उसकी प्राइस लगभग 63,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनल मेरे ओपिनियन बताऊँ तो आपको इसी वेरियंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 256GB का SSD भी देखने को मिल जाता है, उसकी वजह से आपका लैपटॉप काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे लैपटॉप काफ़ी सही लगा है क्योंकि मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सही लगा है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।